सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म इतना अच्छा कर रही है, क्या मतलब आपने ऐसी उम्मीद की थी कि फिल्म इतना अच्छा करेगी? ये सवाल आपका है, क्या उम्मीद की थी? अगर उम्मीद नहीं होती तो क्यों करते फिर हम? उम्मीद अगर नहीं होती तो क्यों करते हैं? हमारा काम है अच्छी मौसीकी करना और उसके बाद छोड़ देते हैं, समझे? देखिए, एज फार एज द म्यूजिक इज कंसर्न, ये लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैंने म्यूजिक दिया, बहुत अरसे के बाद एक तो मजाज साहब का कलाम, मजाज लखनऊ भी बड़े मशहूर, और हमने उस पर काफ़ी मेहनत की, सोच समझ के, अब जैसा कि आप ये सुन रहे हैं, ये बहुत ज़माने के बाद फिल्मों में ऐसा एक मौका मिला है, यानी कि मेरा है मौका मिला है, और फिर ऐसे सिंगर अलका मेरे से बहुत करीब हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने नहीं रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैंने इस टाइप की गायकी ज़्यादा करी नहीं है फिल्मों में, रोमांटिक गाने गाती रही हूँ बिल्कुल, तो तला जी ने जब मुझे कहा कि ये गाना है तो इट वॉज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी, और मुझे लगता है कि इस तरह के म्यूज़िक की एक ऑडियंस होती है, एक नीच ऑडियंस होती है, और जो समझते हैं इस तरह के संगीत को वो लोग अप्रिशिएट करेंगे ही अगर काम अच्छा हो। कहना नहीं, आपको लगता नहीं कि इस तरह के गानों की ऑडियंस थोड़ी कम हो गई है, जैसे अभी गाने? यार ये सवाल के, अगर मेरे को हर सवाल के लिए पैसे मिलते ना आज मैं करोड़पति होता, खुद ही कैसे हो। ये आप लोग सवाल सब वही करते हैं आज के ज़माने में, आप क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में? म्यूज़िक जैसे म्यूज़िक आ रहे हैं, रैप म्यूज़िक आ रहा है, और एक मिनट रैप म्यूज़िक किधर आ रहा है? चला गया, ख़त्म हो गया जी। जैसे मतलब इस तरह के गानों को टीन जो नए लोग हैं पसंद नहीं करते। अच्छा, कम ऑडी उर्दू के अल्फाज जो इतने अच्छे मीठे होते हैं वो आजकल बहुत कम देखने, बहुत कम देखने को, सुनने को मिलते हैं, अलवाज देखे नहीं जाते, सुने जाते गाने, गाने वाने जो भी हैं आजकल, वैसे गाने देखे जाते हैं सुने कम जाते हैं। सही बात, सही बात, उर्दू तो बहुत ही कम हो गए जी जो है। तो आप क्या 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 सुनना चाह रहे हैं मुझसे? देखिए, सुनने वाले फिर भी हैं, समझने वाले हैं, और जो समझने और सुनने वाले हैं उनको चाहिए, दे वांट म्यूजिक ऑफ सब्सटेंस, वो नहीं सुनते हैं ये सब जो आप कह रहे हैं, वो ये असली गाने, गहरा ये जो कह रहे हैं ये गाने सुनने वाले नहीं, ये गाने सुनने वाले और वो जो गाने देखने वाले है ना, तो हर किस्म के लोग होते हैं, सबको सबका अपना एक टेस्ट होता है म्यूजिक में, समझ होती है। आपका जो सवाल था ना, सॉरी अलका मैं कट इन कर रहा हूँ, बहुत ही एक यंग रिपोर्टर आई थी आज तक की, उसने यही सवाल किया था, सर आज के ज़माने में हम लोग यंगस्टर्स जो है गज़ल को कैसे सुने, हम उर्दू नहीं समझते। तो मैंने कहा गज़ल का लफ्ज़ हटा दो, भूल जाओ, सुनिए सुनिए, मैंने कहा मैं दो लाइन पढ़ता हूँ, पता मुझे कैसे लगता है। अलका ये बहुत मज़े की बात है, मैंने कहा कि अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तो कही ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ इट, आई सेड फॉरगेट व्हाट इज़ इट। 21 साल की लड़की थी वो बाय द वे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर कोई अच्छे इमोशंस हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ अल्फाज हैं जो जिसको समझाना पड़ता है, अभी आप यकीन करेंगे कि मलयालम स्पीकिंग लोग 7,000 की तादाद में कैलिकट में मुझे परसों उन्होंने सुनाया, उससे पहले पलक्कड़ में था मैं, पलक्कड़ केरला, आपने नाम नहीं सुना होगा, मलयालम बोलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फरमाइश क्या थी पता है आपको? शहजाद अहमद शहजाद की गज़ल, खुशकी सही आंखें कुछ ना कुछ तो रोलेंगे, गोज जुबान अतर होगी, होंठ ही भिगो लेंगे। अब आप बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए आप जो कह रहे हैं वो फिल्म के जो आजकल दौर चल रहा है वो अलग है, लेकिन इसका जो एक ऑडियंस है ना, ये भी काफ़ी तादाद में, ये गल असल में प्रॉब्लम ये है कि जो मास मीडिया है, जो जी सी हैं, जो आप समझते हैं जी सी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उनका रुझान पूरा इट्स ऑल ऑन कंट्रोवर्सीज, राइट? नहीं, और पता नहीं है लोगों का कुछ मेंटल ब्लॉक होता है, क्या है गज़ल, वो गज़ल है, अरे गज़ल जो भी चीज़ अच्छी लगे कानों को, जो जिसमें गहराई हो, वो संगीत अच्छा होता है, चाहे वो गज़ल हो चाहे वो किसी दूसरे तरह का संगीत हो। तो यू ऑल शुड नॉट वो एक आप लोग उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा संगीत, अच्छा संगीत का जवाब मिल गया ना? आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स, आपकी आवाज़ बहुत कमाल की है, बहुत ही जोरदार है आपकी आवाज़, मैं भूल नहीं सकता, आप पहले भी आई थी ना दिल नोएडा में थी आप जी, यहाँ भी आई थी आपकी आवाज़ से पहचान जी, क्या कह रही थी, सॉरी मैं तला साहब कहना चाहेंगे, कितने
महसूस कर रहे हैं? देखिए ये शाम जो है मेरे लिए खुशी का शाम इसलिए है कि मैंने कभी इसकी तवक्क नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ग्रोथ हमारी फिल्म की होगी आज के दौर में। और ये शाम मैंने आप लोगों के नाम इसलिए किया है कि मुझे दिली खुशी हुई है कि फिल्म की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लोगों की लाइकिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप बुरा नहीं माने ना? नहीं 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 नहीं, बुरा आप छोटे हैं वैसे, लेकिन ये मैं इसलिए मैं आगे आपको तकरीबन 2 सालों से तो